नमस्कार दोस्तों, मैं शुरू करने चल रहा हूं करंट अफेयर्स पर आधारित अपना लेक्चर। इकोनॉमी पर आधारित होगा, 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में जो इकोनॉमी पर और खेल पर आधारित जो प्रमुख घटनाएं रही हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इनसे आपको आगामी परीक्षाओं में बड़ा सहायता मिलेगा और इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करने का कष्ट अवश्य करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर है। ई कॉमर्स कंपनियाँ खुद के उत्पाद आप बाजार में प्रस्तुत कर रही हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन, अपैरल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में इन हाउस ब्रांड उतार रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इन हाउस ब्रांड का मतलब होता है कि वो अब खुद सामान बना करके, अभी तक वो दूसरों का सामान अपने आउटलेट्स में बेचते थे, अब वो अपना सामान खुद बना करके बेच रहे हैं। जैसे बिग बाजार ने अभी शुरू किया है शर्ट पैंट और इस तरह की बहुत सारी ब्रांड्स, इधर आपके और भी कंपनियों ने शुरू किया है। तो इन हाउस ब्रांड्स के डिज़ाइन आमतौर पर ई कॉमर्स कंपनियां खुद तैयार करती हैं और फाइनल प्रोडक्ट का लाइसेंस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को दे देती हैं। क्योंकि कंपनियां बड़ी संख्या में ऑर्डर देती हैं तो लागत भी इनकी कम आती है और उनका नियंत्रण भर भी इस पर अधिक होता है। इससे ई कॉमर्स कंपनियाँ उन उत्पादों को की कम कीमत रख पाती हैं। इन कंपनियों को खुद के ब्रांड्स पर 15-20% तक अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि ज़्यादा देने पर, ज़्यादा ऑर्डर करने पर इसमें लागत कम होने की वजह से इनकी मार्जिन ज़्यादा होती है। तो अभी जैसे हमने आपको नीचे दिया है कि इस पर किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जैसे हमने एकाध दो, फ्लिपकार्ट ने अपनी जो खुद का इनहाउस ब्रांड लॉन्च किया है वॉशिंग मशीन का, उसका नाम है मार्क क्यू, और उसने एक स्मार्टफोन भी लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है विलियन कैप्चर। तो इसी तरह से अमेजन ने स्टेशनरी, हेडफोन, पुरुषों के कपड़े, महिलाओं के मेकअप उत्पाद, स्मार्टफोन तथा मिंत्रा ने भी कपड़े का ब्रांड उतारा हुआ है। अभी एक लेटेस्ट खबर आई है कि कपिल ग्रोवर को डोमिनोज पिज्जा, यानी डंकिन, देखिए डोमिनोज पिज्जा आप लोगों ने बहुत खाया भी होगा, नाम भी सुना होगा, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका एक्चुअल में नाम है डंकिन डोनट्स श्रृंखला सीरीज। तो डंकिन डोनट्स जो जुबिलेंट फ्रेडवर्क्स मुख्य कंपनी है इसकी, जुबिलेंट फ्रेडवर्क्स, और उसने जो श्रृंखला शुरू किया है, जो चेन शुरू किया है, उसका नाम है डंकिन डोनट्स। और उसका जो मार्केटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है, वो अभी कपिल ग्रोवर को नियुक्त किया हुआ है। तो ये रहा बाजार का अपडेट। चलिए अब थोड़ी सी हम ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ रेट में अभी भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2006-07 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10.08% की विकास दर हासिल की थी, और इस वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था की सबसे तेज रफ्तार थी। जो ये आजादी के बाद सबसे तेज जीडीपी वृद्धि दर 1988-89 में 10.2% रिकॉर्ड की गई थी, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा रियल सेक्टर स्टैटिक्स पर आधारित समिति ने संशोधन के साथ यह डाटा तैयार किया है। सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट पर भी यह रिपोर्ट उपलब्ध है। रिपोर्ट में जीडीपी दर की पुरानी सीरीज 2005-4-5 और 11-12 के मूल्य के आधार पर इसको जारी किया गया है। दूसरी न्यूज है भारतीयों के शिक्षा पर खर्च को लेकर के। तो भारतीय विदेश में अध्ययन के लिए ट्यूशन फीस और रहन सहन पर जमकर खर्च कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशों में भारतीय छात्रों का शिक्षण और छात्रावास पर खर्च पिछले 4 वर्ष में 44% बढ़ा है। वहीं भारत आकर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में कमी आई है, जो एक चिंता का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में छात्रों का इन मद में कुल खर्च $1.9 अरब था,
जो 17-18 में बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया, लगभग 1 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, यानी 0.9 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जबकि भारत में विदेशी छात्रों के खर्च में गिरावट आई है। तो एक टेबल के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है कि भारतीय का खर्च और विदेशियों का खर्च कितना रहा है मिलियन डॉलर में। तो 2014 में भारतीय का खर्च 1931 मिलियन डॉलर रहा, जबकि विदेशियों का भारत में खर्च 442 मिलियन डॉलर है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर है, 1931 और 442 मिलियन डॉलर, बहुत करीब 5 गुने का अंतर है। 2015 में 2467 मिलियन डॉलर भारतीयों ने खर्च किया, वहीं विदेशियों ने भारत में केवल 519 मिलियन डॉलर ही खर्च किया है। 2016 में जहां 1980 मिलियन डॉलर खर्च किया है भारतीयों ने विदेशों में, वहीं 557 मिलियन डॉलर विदेशियों ने भारत में खर्च किया है। 2017 में 2643 मिलियन डॉलर जहां पर भारतीयों ने विदेशों में खर्च किया है, वहीं विदेशियों ने केवल 504 मिलियन डॉलर खर्च किया है। 2018 में 2276 मिलियन डॉलर खर्च किया है भारतीयों ने विदेशों में, जबकि 479 मिलियन डॉलर खर्च किया है विदेशियों ने भारत में। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि करीब 5 गुने का डिफरेंस आ रहा है, और इससे करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा बढ़ता है, यानी ये एक चिंताजनक विषय है। अब आते हैं H1B वीजा। पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये H1B वीजा है क्या। H1B वीजा आमतौर पर उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास पेशे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT प्रोफेशनल या आर्किटेक्चर या स्वास्थ्य प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जुड़े होते हैं, उनको जारी किया जाता है। और जो खास करके जो रोजगार के लिए अमेरिका में अस्थायी निवास के इच्छुक होते हैं, उनको भी ये H1B वीजा जारी किया जाता है। सामान्यतया प्रतिवर्ष US द्वारा 65,000 कामगारों को H1B वीजा इशू किया जाता है। इसके अतिरिक्त करीब 20,000 वीजा उन लोगों को इशू किया जाता है जिनके पास मास्टर्स डिग्री होती है। ये 65,000 से अलग है, 65,000 की जो संख्या है उससे 20,000 अलग है, मास्टर्स डिग्री होल्डर को ये वीजा इशू किया जाता है। शुरुआत में ये वीजा 3 साल के लिए होता है, इस अवधि को बढ़ाने का विकल्प रहता है, 6 साल तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई भी H1B वीजा धारक अपने परिवार को लेकर के वहां पर निवास करना चाहता है, जैसे बीबी और बच्चों को लेकर के, तो उनके लिए H4 वीजा का नियम है, वो भी केवल उतने ही समय के लिए जारी किया जाएगा जितने समय के लिए आवेदक ने H1B वीजा इशू किया गया है। आपको यहां पर बता दें कि H1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीय आवेदन करते हैं, 22 लाख आवेदन भारतीयों ने किए थे 2007 में, और 2007 से लेकर 2017 तक 3 लाख आवेदन किए थे चीनियों ने। आप समझ सकते हैं 22 लाख भारतीय 2007 से लेकर 2017 तक 22 लाख जहां भारतीयों ने आवेदन किया H1B वीजा के लिए, वहीं चीनियों ने केवल 3 लाख चीनी ऐसे थे जिन्होंने वीजा के लिए आवेदन किया था। तो अब इस पर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो उसमें ट्रंप ने अभी वीजा नियमों में थोड़ी सी कार्रवाई करी है और वीजा को कम करने का, अपने स्थानीय लोगों को नौकरियों में ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने H1B वीजा में कटौती की है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 59 CEO ने ट्रंप के खिलाफ ये लेटर लिखा है कि आप इन वीजा नियमों को अनावश्यक रूप से ना बदलें, क्योंकि इससे उनको एक तो नए लोगों को रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, और इसके बाद उनको नई फिर से नया ट्रेनिंग दे करके और उनको नया फिर से काम पर लगाने में उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी। तो संगठन ने अपने पत्र में यह भी लिखा है, ग्रीन कार्ड की कमी के चलते कई कर्मचारी एक दशक से अधिक समय से अपने को आवर्जन प्रक्रिया में फंसा हुआ पा रहे हैं, और
अमेरिकी व्यवसायों में अनावश्यक लागत और जटिलताओं से बचने के लिए अमेरिकी सरकार को प्रक्रिया के बीच में नियमों को नहीं बदलना चाहिए। H-1B वीजा को लेकर अप्रैल 2017 की USCIS रिपोर्ट में कहा गया था कि 2007 से जून 2017 तक 34 लाख H-1B वीजा आवेदन मिले हैं, इनमें भारत से 21 लाख आवेदन थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये रहा H-1B वीजा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का जो इस समय स्टेप है। अभी लखनऊ के 3 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है, जिसमें किस बीसी राय नेशनल अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। इनमें डॉक्टर M.L.B. भट्ट, डॉक्टर राकेश कपूर और डॉक्टर दीपक अग्रवाल। आप जानते हैं कि ग्लोब मेडिकल हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर दीपक अग्रवाल गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, और डॉक्टर M.L.B. भट्ट जो कि वहाँ पर PGI में हैं, और डॉक्टर राकेश कपूर जो हैं वो भी लखनऊ से ही हैं। तो इनको अभी जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो है बीसी राय नेशनल अवार्ड 2017। तो ये रहा अवार्ड से संबंधित। अब एक थोड़ा सा आपको जानकारी देने, कर चुकाने के लिए आकलन वर्ष कैसे चुना जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले www.tin.nsdl.com खोलें और उस पर पे टैक्स ऑनलाइन का क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, इसके साथ ही इस पेज पर सबसे आखिरी में आपको नॉन टीडीएस TCS में चालान नंबर 280 को चुनना चाहिए। इस पेज पर कोड 0021 चुने, इसके बाद आप पैन नंबर, आकलन वर्ष और पता आदि भरें। इसके बाद एडवांस टैक्स के लिए कोड 100 यानी 100, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए कोड 300 चुने 300। इसके बाद कर भुगतान का तरीका चुने, इसमें आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का विकल्प मिलेगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको पुष्टि करना होगा कि आपको सूचना, आपने जो सूचना दी है वह सही है। इसके बाद सबमिट टू द बैंक बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद एक रसीद सामने आएगी। इस रसीद में आपके द्वारा चुकाए गए टैक्स, VSR कोड, चालान का सीरियल नंबर, चालान की तारीख आदि होगा। ऑफलाइन कर चुकाने के लिए आप सही फॉर्म को सही से ही भरें और कुछ गलतियों से बचने की कोशिश करें, जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स के आकलन में करदाता विशेष सावधानी बरतें। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आकलन वर्ष 18-19 होगा। यहाँ पर कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि 17-18 के लिए हम 17-18 ही चुन लेते हैं, तो वो 17-18 जब चुनेंगे तो वो 16-17 के लिए हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर वित्त वर्ष 2017-18 का आप आकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर आकलन वर्ष 2018-19 होगा। एक व्यक्ति के रूप में टैक्स का भुगतान करते वक्त हमेशा कोड 0021 ही चुने। अगर आप एडवांस टैक्स चुका रहे हैं तो कोड 100 चुने यानी 100। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स चुका रहे हैं तो कोड 300 चुने। इसके तहत इतर कोई कोड ना चुने, इससे आप अपना कर सावधानी पूर्वक भर सकेंगे। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंधु जल संधि पर अभी विवाद हुआ, अभी फिर से बैठक शुरू हुई है। लाहौर में बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर वार्ता शुरू हुई है। इसमें भारत की ओर से सिंधु जल आयोग के आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना और पाक की ओर से जल आयुक्त सैयद मेहर अली शाह ने हिस्सा लिया। भारत का स्पष्ट कहना है कि उसकी परियोजनाएं सिंधु जल संधि का कहीं भी उल्लंघन नहीं करती। उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाक पर दबाव बनाने को इस संधि के इस्तेमाल के संकेत दिए थे। पाक सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की वार्ता के बाद इस पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक भी इस जल संधि में एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल है। 12 जनवरी 1961 से इस जल संधि की शर्तें लागू कर दी गई।
इससे नदियों के उपयोग पर दोनों देश के बीच जो सहयोग और सूचना विनिमय के लिए तंत्र बना, 6 नदियां इसमें शामिल हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी व सतलज। अब आपको ये भी बता दें कि इस संधि में पूर्वी हिस्से की नदियां यानी सतलज, रावी और ब्यास पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी हिस्से की नदी सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। परंतु भारत इन नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल कर सकता है, यानी 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा और शेष 80% पानी पाक को मिलता है। पाकिस्तान की नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह चूंकि पहले से भारत होकर आता है, ऐसे में जल के नियंत्रण को लेकर के समय समय पर अक्सर विवाद होता रहता है। हालांकि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी जल युद्ध नहीं हुआ है, तो ये विवाद का एक विवाद का अक्सर ये विषय रहता है। लेकिन अब इसको सुलझाने के लिए अभी जो इमरान खान की सरकार है उसने एक पहल शुरू किया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को इस जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। तो आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग नोटबंदी पर। नोटबंदी पर अभी सरकार ने 30 अगस्त 2018 को आंकड़े जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने बुधवार को बताया कि नोटबंदी के बाद चलन से बुधवार यानी 29 अगस्त 2018 को नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हुए 500 एवं 1000 के पुराने नोट में से 99.30% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसने इन नोटों की गिनती पूरी कर ली है। काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। उस समय 500 और 1000 के 15.41 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख करोड़ के नोट बैंकों में आ चुके हैं, यानी 10,720 करोड़ ही वापस नहीं आए हैं। बहुत छोटी सी रकम है, यानी पूरा पैसा लगभग आप कह सकते हैं वापस आ चुका है। लेकिन इसका फायदा एक आपको बता दें कि ये सारे पैसे, आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत को फायदा क्या हुआ है अगर 99.30% नोट वापस आ गए। हाँ, वापस तो आए, लेकिन ये बैंकों की अकाउंटिंग में आ गए, बैंकों में जमा हुए। तो सरकार अब इसका आकलन करके अपने ग्रोथ की एक जो ग्रोथ का एक पैटर्न है उसको डिसाइड कर सकती है। तो सबसे बड़ा फायदा यही रहा कि जो मुद्रा अभी तक अकाउंटिंग में नहीं था यानी ब्लैक मनी के रूप में था, वो व्हाइट हो गया और सरकार उसके आधार पर अपने विकास के लक्ष्य को निर्धारित कर सकती है। तो जेटली ने भी अपने ब्लॉग में लिखा था कि 2013-14 में टैक्स संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 10.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये भी एक नोटबंदी का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य सिर्फ लोगों के पास पड़े पुराने नोटों को रद्द करना ही नहीं था, बल्कि इससे कई बृहद उद्देश्य थे। इसमें अर्थव्यवस्था को अनौपचारिक बनाना भी था। इस नोटबंदी में जब नोटबंदी के परिणाम जब बैंक में नकदी जमा कराई जाती है तो उसके मालिक की गुमनामी खत्म हो जाती है। नोटबंदी से ऐसे लोगों को की पहचान हो सकी जिसके इसके बाद लगभग 18 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिसमें अधिकांश पर टैक्स और जुर्माना भी लगाया गया है। पोस्ट पेमेंट बैंक, आप जानते हैं कि पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसको हिंदी में भारतीय डाक भुगतान बैंक भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था करीब 3 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवक तथा डाकघर की शाखाओं के व्यापक तंत्र का उपयोग करके आम लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। यह किसी भी अन्य बैंक की तरह ही होगा और छोटे पैमाने के लेन देन का काम करेगा, परंतु ध्यान रहे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। भुगतान बैंक में
एक लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह मोबाइल भुगतान भुगतान हस्तांतरण यानी मोबाइल से पेमेंट का ट्रांसफर और एटीएम डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और थर्ड पार्टी पेमेंट की सुविधाएं भी देगा। इसकी देश भर में 650 शाखाएं और 3250 संपर्क केंद्र होंगे। भारत सरकार की हिस्सेदारी जो होगी वो 100% होगी, यानी इसमें किसी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी नहीं है। यदि किसी ने 1 लाख रुपए से अधिक का धन जमा किया तो यह स्वतः ही डाकघर बचत खाते में बदल जाता है। और अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत बता दें कि 17 अगस्त 2016 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका परिचालन इस दो पायलट ब्रांच रायपुर और रांची में 30 जनवरी 2017 को किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्तमान में श्री सुरेश शेट्टी को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये रही पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड आपको जानकारी। ध्यान रहे कि इसमें कुछ इसकी विशेषताएं हैं, जैसे इसमें 650 शाखाएं हैं, 3250 इसकी एक्सेस पॉइंट होंगे, 11,000 पोस्टमैन इससे जुड़ेंगे, इसमें पिन का झंझट नहीं होगा। और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो इसमें हमने आपको बताया कि अकाउंट डिजिटल, कैश, डोर स्टेप, सभी तरह की सुविधाएं होंगी। इसके बाद आते हैं जनधन ओवरड्राफ्ट में। तो पहले आप जनधन की बात कर लीजिए। यह योजना 14 अगस्त 2017 को मंजूर हुई और 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। इसके अंतर्गत खाता किसी भी बैंक शाखा, व्यवसाय प्रतिनिधि यानी बैंक मित्र जिनको आप कहते हैं, आउटलेट में जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है, तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की पूर्ति पर देय होगा। 6 महीने तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी, जिसकी सीमा हाल ही में सरकार ने 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। पहले यह सुविधा 18 से 60 वर्ष तक के खाता धारकों को उपलब्ध थी, जो अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत बीते 4 साल में 32.61 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में 82,490.98 करोड़, ये डेटा 13 सितंबर 2018 तक का है, 82,490.98 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की है। उप सेवा क्षेत्र में 1.26 लाख बैंक मित्र शाखा रहित बैंक मित्र, कितनी संख्या है, 1.26 लाख शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जनधन खाता खोलने वालों में 53% महिलाएं हैं, जबकि इनमें 83% खाते आधार से जुड़ चुके हैं। अब आपको बता दें कि अभी जो सरकार ने किया है कि 18 से 65 साल उम्र कर दी गई है, ऊपरी आयु सीमा जो पहले 60 साल थी उसको 65 साल कर दिया गया है, और ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे 6 महीने तक आपको इसका खाता संतोषजनक ढंग से पहले चलाना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको ये सुविधा मिल पाएगी। चलिए पिछड़ी जातियों की अलग गिनती होगी। सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि पिछड़ी जातियों की अलग से गिनती की जाएगी। आपको इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेना बहुत जरूरी होगा। 1931 में इसके पहले यानी 87 साल पहले जातिगत जनगणना हुई थी। 1931 की जनगणना में आखिरी बार जातिगत आंकड़े जुटाए गए थे। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भी जातिगत आंकड़े जुटाए तो गए थे, लेकिन कई राजनीतिक कारणों बस इनको जारी नहीं किया गया था, अभी तक भी जारी नहीं किया गया था, लेकिन ये कालम 2011 की जनगणना में भी बनाया गया था। तो सरकार ने अभी डिसीजन लिया है कि 2021 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग से गिनती कराएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही
शुक्रवार को जो बैठक हुई यानी 1 सितंबर को सॉरी 31 अगस्त को जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया था। इसमें इस जनगणना को 3 साल में पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, यानी 2021 में जो जनगणना होगी उसके आंकड़े 2024 तक जारी कर दिए जाएंगे, फाइनल आंकड़े प्रोसेसिंग के बाद, यानी पूरे आंकड़े 2024 में सामने आएंगे। इसमें जनगणना की तैयारियों समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने बताया है कि 2021 की जनगणना में घरों को जियो टैगिंग का भी प्रस्ताव है। जियो टैगिंग से ये होगा कि हर घर की गणना और उससे संबंधित आंकड़े बड़े ही सटीक और एथेंटिक ढंग से इकट्ठा किए जा सकते हैं, यानी उनका हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली इसमें केवल दो बातें हैं कि 1931 में पहली बार सॉरी आखिरी बार जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जुटाए गए थे, 2011 की जनगणना में सामाजिक और आर्थिक एवं जाति जनगणना कराई गई थी। मोदी सरकार ने 3 जुलाई 15 में इसके नतीजों का ऐलान किया था लेकिन इसके फाइनल आंकड़े जारी नहीं हो पाए थे। चलिए, एक ऐसी न्यूज है जो हम सभी भारतीयों को अक्सर परेशान करती है, आलस्य से 1/3 भारतीय बीमार हैं। अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो जान लें कि आप गंभीर बीमारियों को, अगर आप कम शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो आप गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, ये WHO का दावा है। इनके अनुसार आलस्य देश की 1/3 आबादी को बीमार बना रहा है। 125 करोड़ आबादी में करीब 34% यानी 42 करोड़ लोग आलस्य की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं, ये WHO का आंकड़ा है। द लासेंट पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं में शारीरिक श्रम ना करने की समस्या पुरुषों की तुलना में 2 गुना है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब आधा महिलाएं यानी 47.7% पर्याप्त कसरत नहीं करती, जबकि 20% से ज्यादा पुरुष भी आलस के शिकार हैं। 168 देशों में कराए गए 358 सर्वे के दौरान 19 लाख से ज्यादा लोगों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। वर्ष 2001 से 2016 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 27.5% आबादी आलस का शिकार है। सर्वे के दौरान अलग अलग आयु वर्ग के लिए निर्धारित कसरत के व्यायामों को ध्यान में रखते हुए डेटा जुटाया गया था। WHO के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2001 से शारीरिक गतिविधियों के स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है और दुनिया भर में 3 में से 1 महिला और 4 में से 1 पुरुष तंदुरुस्त रहने के लिए काफी शक्ति नहीं रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि 3 में से 1 भारतीय उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हैं, जबकि 11.54% स्तन कैंसर के मामले बढ़े हैं 2008 से 2012 के बीच। डायबिटीज की अगर बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज 7.2 करोड़ देश में मधुमेह से पीड़ित थे, यानी भारत में 7.2 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे 2017 में। 1.4 करोड़ बच्चों के साथ भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 17 लाख भारतीयों को की मौत दिल का दौरा पड़ने से 2016 में हुआ। 15.1 करोड़ लोग देश में डायबिटीज से पीड़ित हो जाएंगे 2045 तक, ये WHO का अनुमान है। 1.7 करोड़ बच्चों में मोटापे का खतरा बढ़ जाएगा 2025 तक, ये WHO का अनुमान है। 40% की दर से बढ़ रही उच्च रक्तचाप की समस्या हाई ब्लड प्रेशर 40% की रेट से बढ़ रही है। 34% दिल की बीमारी के मामले बढ़े हैं 1990 से 2016 के बीच। 18 लाख से ज्यादा स्तन कैंसर की मरीज होने की आशंका है 2020 तक। तो अब थोड़ा सा एक डेटा आपको और बता दें, सबसे बड़े जो आलसी देश है यानी 67% आबादी के साथ कुवैत नंबर 1 पर है।
53% आलसियों के साथ अमेरिका, अमेरिकन सामोआ जो है वो नंबर दो पर है, 53% के साथ सऊदी अरब, यानी श्रम ना करने वालों की जनसंख्या जो है वो 53% के साथ सऊदी अरब है, और शीर्ष तीन देशों में है श्रम ना करने वाली जनसंख्या, युगांडा में 5.5%, मोजाम्बिक में 6 और लेसोथो में 6.3%। कमाई में अमीर लेकिन सेहत में गरीब। बांग्लादेश में 40% महिलाएं कम श्रम कर रही हैं पुरुषों के मुकाबले, पुरुष 16% हैं जबकि 40% महिलाएं हैं। इराक में 6% महिला, 40% पुरुष हैं। फिलीपींस में 49 और 30 का रेशियो है। अमेरिका में 48 और 32 का रेशियो है। तुर्की में 39 और 22 का रेशियो है। दक्षिण अफ्रीका में 47 और 29 का रेशियो है। तो दुनिया की 1.4 अरब आबादी आलस्य के शिकंजे में है, यानी 27.5% जनसंख्या दुनिया की शारीरिक, दुनिया की 27.5% जनसंख्या शारीरिक श्रम नहीं करती। 23.4% पुरुष आलसी होते हैं। 31.7% महिलाएं आलसी होती हैं और कुवैत को सबसे बड़ा आलसी देश माना गया है, जबकि युगांडा सबसे मेहनती देश है। युगांडा सबसे ज़्यादा मेहनती है। वहाँ पर श्रम ना करने वालों की संख्या, जनसंख्या मात्र 5.5% है, यानी 94.5% लोग वहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत कर जिंदगी जीते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री किसान एवं सरहित बीमा योजना की। दिनांक 14 सितंबर 2017 से 13 सितंबर 2018 तक ये प्रभावी है। इसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, छिपकली काटने से मरना, सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, कुत्ता काटने, किसी भी जंगली जानवर के काटने तथा आक्रमण से जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना, विषाक्तता, भूकंप और आकाशीय बिजली से दुर्घटना आदि शामिल है। ऐसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, जो खातेदार या सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हैं, उनको इस बीमा का लाभ मिलेगा। या ऐसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹75,000 से कम है, वो भी इस योजना के पात्र हैं। पात्र मुखिया या रोटी अर्जक की दुर्घटना वश मृत्यु, दिव्यांगता या हैंडीकैप होने की दिव्यांगता की दशा में अधिकतम ₹5,00,000 तक बीमा कवर मिलेगा, बीमा की राशि मिलेगी। दुर्घटना के उपरांत चिकित्सा का लाभ मिलेगा। पात्र परिवार के समस्त सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। पात्र मुखिया रोटी अर्जक के स्वयं तथा परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना होने पर ₹2,50,000 तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। जरूरत पड़ने पर ₹1,00,000 तक के कृत्रिम अंग भी लगाए जाने की व्यवस्था होगी। समस्त सरकारी चिकित्सालय तथा 30 बेड से अधिक के इम्पैनल निजी चिकित्सालय में इनकी चिकित्सा जो होगी वो निःशुल्क होगी। पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय जो कम से कम 10 बेड वाले में हैं, उनमें ₹25,000 तक का प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। बीपीएल परिवार यानी अंत्योदय कार्ड होल्डर को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि परिवार का मुखिया किसान नहीं है तो। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, वित्त, राजस्व एवं जनपदीय कार्यालय अध्यक्ष राष्ट्रीय बचत से संपर्क किया जा सकता है। ये रही योजना। इसके हमको उम्मीद है कि आपको ये सारा मैटर आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसको जा करके डाउनलोड करके
इसके बाद इसको भविष्य के लिए सुरक्षित भी कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत